हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको बताने जा रहे हैं, वहाँ की माउंटेन रेंजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी माउंटेन रेंजेस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दो हैं। कितनी माउंटेन रेंजेस हैं अफ्रीका में? दो माउंटेन रेंजेस हैं, एक एटलस माउंटेन रेंज है और दूसरी एल्प्स माउंटेन रेंज है। चलिए एटलस माउंटेन रेंज का डिवीजन हम देख लेते हैं। एटलस माउंटेन रेंज जो है वो आपकी चार हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली है एंटी, दूसरी है मिडिल, तीसरी है हाई और चौथी है सहारा एटलस। चलिए फिर से देखते हैं इसको, एटलस माउंटेन रेंज को सरसरी निगाह से। एंटी, मिडिल, हाई और सहारा एटलस, जो कि संयुक्त रूप से कहा जाता है, जिसको अहागार माउंटेन रेंज। ये दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि एटलस की माउंटेन रेंजेस में भी डिवीजन है और इस डिवीजन के नेम्स भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। और दूसरी आपकी हो गई एल्प्स माउंटेन रेंज। तो आपको तुरंत ही याद हो गया होगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो आपकी दो माउंटेन रेंजेस में है। यहाँ पर दो माउंटेन रेंजेस हैं, एक है एटलस माउंटेन रेंज और दूसरी है एल्प्स माउंटेन रेंज। ठीक है, अब आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो अफ्रीका के किस किस राष्ट्र से गुजरा है, ये उनकी सूची मैंने बना के रखी है। ये कुछ मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, थोड़ा इसको जूम करके देखिएगा और एटलस साथ में निकाल लीजिए। थोड़ी जो प्रॉब्लम्स हों वो एटलस के साथ साथ देख के समझते जाइएगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। शुक्रिया दोस्तों मेरा कोऑपरेट करने के लिए। चलिए देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस राष्ट्र से गुजर रही है। नंबर वन है वेस्टर्न सहारा। कौन सी है? वेस्टर्न सहारा। ठीक है, दूसरा आप देखिए मोरिटानिया, दूसरा देखिए मोरिटानिया, तीसरा है माली, चौथा है अल्जीरिया, पांचवा है लिबिया, छठा है इजिप्ट। इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 6 कंट्रीज से होके गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुत अच्छे से इसको आप करेंगे अगर 2 से 4 बार, इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे और इसको याद करेंगे, तो फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी जो भी सवाल आया हुआ होगा माउंटेनियर से, वो सबसे छूटेगा नहीं, उसको आप पूरे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इक्वेटर। इक्वेटर किस किस कंट्री से होकर के निकला है ये ज़रा नज़र डाल लेते हैं हम लोग। ये भी 6 कंट्रीज से होकर गुजरा है। पहला आपका है गैबॉन। एटलस ज़रा सा नज़र डालते रहिएगा बच्चों आप लोग, और उसको थोड़ा सा देखते जाइएगा। दूसरा है कॉन्गो, तीसरा है ज़ाइरे, चौथा है युगांडा। पांचवा हमारा हो गया कीनिया और छठा हो गया हमारा सोमालिया। तो आपने देखा होगा कि उधर हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा, उसमें भी 6 कंट्रीज से होके गुजरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो इक्वेटर है ये भी हमारे 6 कंट्रीज से होके गुजरा हुआ है। ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा अगर आप इस वीडियो को, मैं कह रही हूँ बार बार, अगर आप देखेंगे इसको याद करेंगे, तो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से माउंटेन रेंजेस का जो भी सवाल आएगा वो बिल्कुल भी आपसे नहीं छूटेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 5 राष्ट्र से होके गुजरती है, मतलब 5 कंट्रीज से होते हुए जाती है। नामीबिया, पहला नामीबिया है, दूसरा बोट्सवाना है, तीसरा साउथ अफ्रीका है, चौथा मोजाम्बिकी है और पांचवा मेडागास्कर आइलैंड है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ दोहराएंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कंट्रीज से होकर गुजरती है अफ्रीका के, ये आप देखिए। पहली है नामीबिया, दूसरे बोट्सवाना, तीसरा साउथ अफ्रीका, चौथा मोजाम्बिकी और पांचवा है मेडागास्कर आइलैंड। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपका आ गया ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन। अब ये जो है फिर से 4 राष्ट्रों से होके गुजरती है, वो है पहला अल्जीरिया, दूसरा है माली, तीसरा है बर्किना फासो और चौथा घाना से गुजरती है, जो टोगो को टच करती है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं इसको।
जीएमटी लाइन जो है वो अफ्रीका के चार कंट्रीज से होके निकलती है, चार राष्ट्र से होके गुजरती है। उसमें पहला आपका है अल्जीरिया, दूसरा है माली, तीसरा है बर्किना फासो और चौथा है घाना जो टोगो को टच करती है। अब इम्पॉर्टेंट कुछ ज़रा सा देख लेते हैं इसके बारे में। जो आपका अल्जीरिया और माली है जीएमटी लाइन में और कैंसर लाइन एक दूसरे को काटती है, और गल्फ़ ऑफ गिनिया में, फिर से हम बोल रहे हैं, ये अल्जीरिया और माली जो है जीएमटी लाइन में और कैंसर लाइन है वो एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गल्फ ऑफ गिनिया में जो जीएमटी और इक्वेटर है वो एक दूसरे को काटती हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, ये गल्फ ऑफ गिनिया में जीएमटी और इक्वेटर एक दूसरे को काटती हैं। हेलो, थैंक यू दोस्तों आपका पूरा सहयोग देने के लिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पढ़ा और बार बार अगर आप इसको 3 से 4 बार अगर पढ़ेंगे और मेरे साथ इसको रिपीट किया होगा तो आपको आधे से ज़्यादा तो लेक्चर याद ही हो गया होगा, और बाकी आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आप इसको बिल्कुल पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से आप याद कर चुके होंगे। जब तक आप इसको 2-3 बार देखेंगे तब तक आप इसको पूरी तरह याद कर चुके होंगे। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय दोस्तों।